खरगोन जिले के जैतापुर में रहने वाले एक मीटर रीडर की आकस्मिक दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें उसकी बेटी ने मुखाग्नि देकर पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजन अर्चन किया। बता दें कि मुकेश गुप्ता की तबीयत अचानक खराब हुई, जिन्हें कोरोना इलाज के लिए इंदौर भेजा, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी दौरान परिजन ने आरोप लगाया कि कोरोना की बात पर पैसा उधार लेकर इलाज कराया और मौत होने के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताकर परिजन का आर्थिक नुकसान कराया, जिसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर मृतक की पुत्री शिकायत करेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। पहले दिन उनको बुखार आया, उतर गया। फिर दूसरे दिन उनको खांसी आई, तो उन्होंने कहा रात को कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, तो सुबह गए, सुबह सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने बोला इंदौर ले जाना पड़ेगा। एक दिन भर्ती किया ना, इंदौर ले गए, तो इंदौर में गौरव हॉस्पिटल में ले गए। उधर उन्होंने आईसी रूम में रखा। उन्होंने क्या बोला, क्या मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा सीरियस तो नहीं थी, ज़रा ख़राब थी, तो उन्होंने आईसी रूम में रखा और कोरोना कहकर हमें वहाँ जाने नहीं दिया। उन्होंने कोरोना का इलाज किया और मेरे पापा को जो प्रॉब्लम थी उसका इलाज नहीं किया, उस कारण मेरे पापा का देहांत हो गया। उसमें हमने ब्याज लेकर पैसे खर्च करे, तभी वो हॉस्पिटल में कहीं इलाज नहीं किया ढंग से। आप शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाते, क्या कहते हैं? मेरी उम्र अभी 14 साल है। शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं, क्या आप जो अब घटना घटित हुई है? मेरा भाई वगैरह कोई भी नहीं है, मेरी मम्मी है, मैं हूँ और मेरी बहन है ना। हम सब ने क्या पैसा लगाए, तो उन्होंने कहीं ढंग से इलाज नहीं किया। और मेरा भाई नहीं है, मैं 14 साल की हूँ और मेरे पापा के। कितने पैसा खर्चे हुए? 3 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मनीषी गुप्ता। क्या कार्यक्रम हो रहा है? यह भी है, जो राजेश गुप्ता नाम के थे, एमपीबी में नौकरी करते थे। तो ये राजेश गुप्ता को जब एक थोड़ी सी बीमारी थी तो अस्पताल में लाए गए थे, तो अस्पताल में इन्होंने मतलब इनको कोई कोरोना टाइप बता दिया कि ये है, तो यहाँ इलाज यहाँ संभव था तो इंदौर भेज दिया इन्होंने। इंदौर में जो हॉस्पिटल में रखा गया था वहाँ काफ़ी पैसा खर्च हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई कोरोना का है तो कोरोना के इलाज से हमने इलाज करवा लिया। जब उनकी एक डेट हुई तो हमको जब बाटी नहीं चाहिए थी तो उन्होंने कहा नहीं निगेटिव है, बाटी ले जाओ। तो अब हम मजबूरी में बाटी लाए, इंदौर में मुक्तिधाम में उनका कार्य किया। अब हमारे जो जियाजी थे उनकी दो छोरियाँ हैं, उनके छोरे नहीं हैं। आज गरीब स्थिति में उन्होंने आज 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करा वहाँ पे ब्याज पे उठा के। आज उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। आज उनका लड़का ना होते हुए उनकी लड़की ने आग दी है, मुनमुन गुप्ता ने। और ये जो भी 10-11 का कार्यक्रम कर रही है वो 14 वर्षीय लड़की मुनमुन गुप्ता कर रही है। अब आगे प्रशासन क्या करना चाहता है ये देख ले और उनकी कोई भी मदद करे, बस यही बोलना चाहता हूँ। तो आप क्या मानते हैं, जो आपके जो उनकी डेथ हुई है उसको लेके क्या? भाई ये है कि हमको यहाँ जो है कोरोना का बता दिया गया था, तो कोरोना के हिसाब से हमने इलाज इंदौर में करवाया, जो भी डॉक्टरों ने दवाई गोली मांगी वो सब लाके दी। लेकिन जब डेट हुई तब हमको निगेटिव बोला गया, तो ऐसा हमारे साथ छल कपट करा और हमारे आदमी को आज जान जोखिम से जान से जाना पड़ा। आप विचारे कि दो ही लड़कियाँ हैं जो आज मजदार परिवार है, अब उनका लालन पासन कौन करेगा? कितना पैसा, कितना खर्च हो? 3 लाख रुपए। क्या नाम है आपको? नरेंद्र गुप्ता से गाँव। आप कौन लगे? मामा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।